नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। इस खास अपडेट में बात करने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पेपर कब कराएगा, साथ साथ इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू अपना इंट्रेंस कब कराएगा। थोड़ा सा प्रकाश हम लोग सीयूसीटी पे भी डालेंगे और आपका जो ये दिमाग पे टेंशन और प्रेशर है उसको हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि आप लोग काफी परेशान हो। बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल वीडियो बना बना के थोड़ा मोड़ा आपको पैनिक कर दे रहे हैं कि यार इंट्रेंस कब होगा, फॉर्म रिलीज नहीं हुआ, एडमिशन कब होगा, सीयूसीटी तो नहीं हो जाएगा, इंट्रेंस होगा कि नहीं होगा। तो आइए इन सब पे थोड़ा सा हम लोग एक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या बोल रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या बोल रहा है कि प्रीवियस परीक्षा समिति के प्रस्ताव पर एयू कुलपति महोदया, क्योंकि वहां पे अभी लेडी प्रिंसिपल है और सॉरी वीसी है, तो उन्होंने स्वीकृति दी है कि ये जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे बीए हो, चाहे बीएलएलबी हो, बीएफए है, एमए है, इन सभी के अंतर्गत आने वाले कोर्सेज की परीक्षा कराएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जुलाई तीसरे सप्ताह कर फॉर्म आने के आसार हैं। कब आने के आसार हैं? तो थर्ड वीक ऑफ जुलाई, मीन्स लगभग एंड ऑफ द मंथ, अपकमिंग मंथ जो जुलाई है उसके एंड में फॉर्म आने के चांसेस है। तो ये मान के चलो कि जो बार बार मैं आपको 60 डेज बता रहा हूं, ये 60 डेज एकदम सच में तय है। ये एनालिसिस मेरा हमेशा इसी के बेसिस पे बता रहा हूं, मैं इन्हीं लोग के वाक्य और ट्विटर हैंडल, इन लोग के ऑफिशियल वेबसाइट से मैं एनालिसिस से बता रहा हूं कि लगभग हमारे पास 60 दिन का है अभी, क्योंकि जुलाई पूरा हमारे पास है और अगस्त में भी ये तुरंत फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में पेपर कभी नहीं कराएंगे, जब भी कराएंगे एंड ऑफ अगस्त में लगभग कराएंगे, क्योंकि अभी क्लास 10+2 का भी जो मार्क्स असाइनमेंट के बेसिस पे मिलना है वो भी मिला भी नहीं है उनको, ठीक है। और एक लास्ट में उन्होंने क्या स्टेटमेंट लिख दिया है कि प्रोफेशनल कोर्स परीक्षाएं के लिए एनटीए के निर्णय का इंतजार है। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि ये सिंगल ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि एनटीए को इन्होंने पत्र लिखा है, बाकी तो लोग वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है एनटीए को पत्र लिखे ये बात पूछा है कि आप बताओ भाई आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि ये वही एनटीए है जो क्या करा रही है, जो इस बार सीयूसीटी का जिम्मा ले रखा है, ठीक है, 2021 में पेपर कराने का जिम्मा इनको दिया गया है। मतलब जब मीटिंग हुई थी सीयूसीटी की पहली 7 मेंबर्स की मीटिंग, तो उसमें इन्होंने प्रस्ताव रखा कि ऐसा करो, एनटीए को बोल दो एनटीए पेपर कराए, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेस्टिंग एजेंसी है और ये पेपर कराने के काबिल भी है। अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा कि जेएनयू के जो वीसी हैं उन्होंने ये बात बोला भी है कि एनटीए सक्षम तो है लेकिन एनटीए के पास समय नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी जुलाई आने वाला है, ठीक है, और जुलाई आ चुका है लगभग, और ऐसे में अभी अगर एनटीए पोर्टल बनाना शुरू भी करेगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो सीयूसीटी के सामने एक बड़ा मसला ये है कि वो लोग अभी प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर पाए हैं, एबल तो हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर पाए हैं। तो ऐसे में सीयूसीटी के आसार भी हैं, लेकिन उसके लिए आप अपडेट रहो, चैनल पे लगे रहो, हम जो भी अपडेट एकदम प्योर आएगा आप तक एकदम इमीडिएटली पहुंचा देंगे। तो आपको मैं जो आपका मेन टेंशन है उसको मैं दूर कर देता हूं। टेंशन ये है कि आपको तैयारी कैसे करना है, तो ये 60 दिन का जो प्लान है आप अपनी 60 दिन को एक फ्रेम मिलाओ, ठीक है, और इस फ्रेम के अकॉर्डिंग मीन्स अपना एक टाइम टेबल तैयार करो, ठीक है, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 60 दिन अपनी तैयारी एकदम प्योर कर लो। वैसे मैं जो 60 डेज का प्लान शुरू किया हूं दोस्तों, ठीक है, मैं जो 60 डेज का प्लान शुरू किया हूं, आइए उस पर थोड़ा एक नजर डाल लेते हैं। तो वो ये है, देखिए उसमें लगभग मैं 45 डेज में ही अपना कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, कंप्लीट कोर्स 45 डेज में। बचे हुए 15 दिन अगर हमें मिलता है तो इसमें हम लोग रिवीजन रखेंगे, इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट रखेंगे, और इन्हीं 45 दिनों में ही हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। लोग सोच रहे हैं कि कैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लान इस तरीके से इसको तैयार किया गया 60 दिन के प्रोग्राम को कि टेस्ट सीरीज इसी के पैरेलल ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग कोर्स कंप्लीट कराएंगे फिर हम लोग टेस्ट सीरीज पे आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग इस जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए ये 60 दिन का प्रोग्राम हो गया और 60 दिन में 45 डेज प्लस 15 दिन डिवाइड कर लिया, ये 15 दिन मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं, लेकिन जो हम लोग को कारनामा दिखाना है वो इसी 45 दिन में ही दिखाना है। और इसमें एक साइड आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है, और दूसरे साइड हम लोग इधर टेस्ट सीरीज और यहां पर प्रैक्टिस सेट, ये दोनों पैरेलल हम लोग कराते चलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, चाहे बीएचयू हो, ठीक है, चाहे जेएमआई हो, चाहे एयू हो, चाहे जेएनयू हो, ये चारों यूनिवर्सिटी के हम लोग कोर्सेज को कवरअप कर रहे हैं। जो लोग जो भी इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकता है मेरे दोस्त, 95 19 38 32 72। गाइज
एक बात एकदम श्योर है कि इंट्रेंस तो होगा ही होगा, विदाउट इंट्रेंस नहीं होगा, क्योंकि अभी पोखरियाल जी का ट्वीट आया है, उन्होंने बोला है कि जो 12वीं का रिजल्ट है आई नो कि ये सेटिस्फैक्शन वाला रिजल्ट नहीं है, उन्होंने ये बात खुद स्वीकार किया है कि इससे बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो ऐसे में उनकी योग्यता पर ध्यान दिया जाएगा और इंट्रेंस ही लिया जाएगा, मस्ट बी इंट्रेंस, ये पोखरियाल हमारे शिक्षा मंत्री का ये बयान है। तो आप लोग टेंशन में ना आए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी अपडेट आपको छूटना ना पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मुस्कुराते रहिए, हर महादेव जैसे कृष्ण, राधे राधे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, उस पर कॉल कर लें, इस पर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।